दोस्तों आज हम जाने वाले हमारे रोहतक तहसील के एक ऐसी आस्था का हब है जहाँ पर लाखों लोगों की आस्थाएं उस क्षेत्र से टिकी हुई है और वो एक भक्तिमय स्थान है। उस स्थान का नाम है मलावा क्षेत्रपाल यानी खेतला जी का मंदिर है। तो आपको वाले चलते हैं और आगे बताते रहते हैं। दोस्तों सबसे पहले करते हैं अपनी गाड़ी का फ्यूल टैंक फुल और करते हैं आगे की जर्नी स्टार्ट। दोस्तों ये हमारे क्षेत्र की बहुत ही और सबसे बड़ी नदी है। यह जो रेवदर और करोटी के बीच में स्थित है। तो अभी हम उससे आगे निकल चुके हैं और हम थोड़ी देर में पहुँचने वाले रेवदर। तो रास्तों का सफ़र एंजॉय करते हुए हम रेवदर से होते हुए हम पहुँच गए मलावा क्षेत्र की तरफ। और ये देखिए दोस्तों ये दिख रहा है अपने को उसका मेन एंट्री गेट। तो हम इस गेट से होते हुए जाते हैं आगे बढ़ते हैं और आपको आगे के नज़ारे दिखाते रहते हैं। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो गाइस अभी हम आए मलावा गांव में। भाई एक बहुत बड़ा खेतला जी का प्राचीन मंदिर है। तो आप एक बार इधर आए और देखिए विजिट कीजिए। बहुत ही अच्छा और शानदार देखने लायक मंदिर है। और पास ही में एक भगवान शिव गोस्वामी नीलकंठ महादेव का मंदिर है, आप देख सकते हैं ये रहा। तो गाइस यहाँ पे बहुत नज़ारे इंटरेस्टिंग जानकारी मिल सकती है आपको। और पास ही में एक छोटा सा बांध है वो आपको बहुत ही अच्छा और देखने लायक है। तो आप इधर आए और देखिए उसको, बहुत ही अच्छा है नज़ारे। बहुत बारिश का मौसम देखिए, ये देखिए पेड़ इतना हरा भरा हो चुका है अभी। दोस्तों ये देखिए मंदिर के प्रांगण में खड़ा एक बहुत ही वृक्ष जो कि बहुत ही अच्छा और लाभदायक वृक्ष है ये। और ये हमेशा ऑक्सीजन देता रहता है। और इस और ये देखिए पास में ये एक बहुत बड़ा तालाब है। तो दोस्तों ये देखिए हवन कुंड जहाँ पे किया जाता है नारियल वगैरह का हवन। आप लोग भी आए तो यही करें हवन। और ये शाम जी का आपको मंदिर जो है केतला जी का मंदिर। मंदिर के अंदर ना तो वीडियो बनाने का अलाउ नहीं था, इसीलिए अंदर का व्यू को नहीं दिखा सकते। तो ये देखिए बाहर का नज़ारे बहुत ही अच्छा और पिक्चर है, बहुत ही साफ सुथरा लग रहा है, एकदम नीट एंड क्लीन। और देखिए बाउंड्री पर पौधे लगाए हुए, ऊपर देखिए एक ओम का चिन्ह ओम बना हुआ है। और ओम हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही अच्छा और पवित्र माना जाता है। ये देखिए मंदिर, तो यहाँ के नज़ारे बहुत ही अच्छे और देखने लायक है। आप भी एक बार जरूर आए मलावा क्षेत्र। तो अभी हम जाते हैं घर। तो और एक और आगे मंदिर है जो उस भगवान रत्नेश्वर को समर्पित। तो दोस्तों हमने खेतला जी के दर्शन कर लिए है और हम जा रहे हैं आगे भगवान महादेव जी और यानी कि उनका मंदिर का नाम है रत्नेश्वर महादेव। तो यहाँ देखिए और हम आपको दिखा नज़ारे, ये देखिए बोर्ड लगा हुआ है इस तरफ एंट्री है, वो देखिए आपको दिख रहा है एंट्री गेट। तो इससे होते हुए हम जाएंगे मंदिर के अंदर और वहाँ पे आपको वहाँ के नज़ारे दिखाएंगे। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं मंदिर के पास में और इस सीढ़ियों से होते हुए हम जाएंगे मंदिर के अंदर और वहाँ भगवान जी के करेंगे दर्शन और फिर चलेंगे घर की तरफ। तो आपकी आज की जर्नी बहुत ही लंबी हो गई है दोस्तों। तो अभी हम जा रहे हैं सीढ़ियों से होती है भगवान शिव के मंदिर के अंदर और आपको वहाँ मंदिर का व्यू दिखाते हैं। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा और भव्य मंदिर है भगवान शिव को समर्पित। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस यहाँ के नज़ारे कितने अच्छे और खूबसूरत लग रहे हैं और ये मंदिर किस तरह एक नदी के किनारे बनाया गया है। देखिए भगवान हनुमान जी का छोटा सा मंदिर है इधर, बोलिए जय श्री राम। तो दोस्तों अपना आज का ब्लॉग यही भी होता है खत्म और अगले ब्लॉग को कहाँ जाएंगे एक नए डेस्टिनेशन की खोज करेंगे और वही आपको लेके चलेंगे। तो आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और आपके एक छोटे से कमेंट से ही हमारा हौसला बढ़ता है और आपके सपोर्ट और सहयोग से ही हमारी जो यूट्यूब फैमिली है वो एक दिन बहुत बड़ी बन जाएगी। थैंक यू सो मच।